नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमेशा आपको दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट चलाते हैं। तो जैसे कि अभी जो अपडेट है वो हम जो इवेंट कर रहे हैं, तो बिहार में जो पोस्टर निकली है पोस्ट ऑफिस में निकली है, बिहार ग्रामीण डाक सेवा में है। इसमें जो पोस्टर हैं वो आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पोस्टर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में है तो इसे 1940 पोस्टर हैं। और आप हमेशा कहते हो मैम टेंथ पास या प्लस टू के लिए लेके आए, तो इस बार हम आपके लिए टेंथ और प्लस टू के लिए लेके आए हैं कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ऐसे में दिव्यांगता का कोटा भी उन्होंने अच्छा खासा दिया है, जिसमें आपको देखिए पोस्ट का नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती, जो पोस्ट कितनी है वो है 1940 है, यानी कि 1940 पोस्ट हैं। ग्रामीण डाक सेवा यानी बिहार के सर्कल में जितने भी क्षेत्र हैं उनमें इनकी अपॉइंटमेंट होगी। दसवीं होनी चाहिए, दसवीं अगर पास आउट है तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। डेट इनकी देख लीजिए 29/4/2021 थी और आवेदन की लास्ट डेट है 14/7/2021, यानी कि आपके पास 14 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी वही 40 तक होनी चाहिए। सैलरी इसमें 10,000 से 14,500 तक होगी, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट है, आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, आप उसमें अप्लाई करें। तो पदों के उम्मीदवार दसवीं पास कक्षा में अंकों के आवेदन भरें, पत्र भरें, विवरण भी पता लगेगा। उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। अगर उससे ज़्यादा एजुकेशन वाले हैं तो उनको कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ टेंथ और प्लस टू वाले ही भरें इसके लिए। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन करना होगा। व्यक्तिगत और शिक्षा उपकरण स्थान पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, मैं वेबसाइट आपको बता दूंगी। फीस इसकी देख लीजिए, इसकी है 100 रुपये फीस है जनरल के लिए। और सभी महिलाएं और ट्रांजेक्शन महिलाएं उम्मीदवारों PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। देखिए इसमें इन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड की है, वो भी जो है किन्नर लोगों के लिए, जो कि काफ़ी समाज से कटे रहते हैं उनके लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाइएगा पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, तो आपको आपका फॉर्म आ जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमन धन्यवाद। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, लिख दीजिएगा। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू।